दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं और उन जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कैसे किया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन लेजर्स को या इन लेजर अकाउंट्स जो होते हैं, इन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे बैलेंसिंग कैसे की जाती है लेजर अकाउंट्स की और उनसे बैलेंस कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस। और इन बैलेंसेस को लेके हम एक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो आइए शुरू करते हैं। ये थी हमारी प्रॉब्लम जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, और उसकी ये जर्नल एंट्रीज भी हमने पास की थी, ये सारी जर्नल एंट्रीज, और हमने उनकी लेजर अकाउंट्स भी बनाई थी, जैसे कि ये लेजर अकाउंट थी। तो आइए हम इस लेजर अकाउंट की, कैश अकाउंट से लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग, एक लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग एक पीरियड के ख़त्म होने के बाद की जाती है जब बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हैं, उनको बनाने के लिए हर लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को निकालना पड़ता है, और इन्हीं बैलेंसेस से एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिनका नाम है ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस को देखते हुए अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, यानी कि एक पीरियड के एंड होने पर वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल ऑफ बोथ साइड्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो डेबिट साइड है उसकी टोटल है 20,000 प्लस 7,000, जो कि आ गई 27,000, और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 4,500 प्लस 8,000, हो गया 12,500, 12,500 और 6,000, 18,500 और 1,200, 19,700 रुपये। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 19,700 रुपये। अब हम क्या करेंगे, दोनों में थोड़ी सी जगह छोड़ के, जो लास्ट एंट्री है उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के दोनों साइड एक लकीर खींचेंगे, इधर भी अमाउंट कॉलम में और इधर भी। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा है उस अमाउंट को, जो कि 27,000 है यहाँ पे, ये जो है 19,700 और 27,000 में जो 27,000 ज़्यादा है, तो हम जो 27,000 है उसको यहाँ नीचे लिख देंगे दोनों साइड्स में। यहाँ 27,000 लिख दिया और यहाँ भी 27,000 लिख दिया, दोनों साइड्स में 27,000 लिख दिया, और डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि इस पीरियड के अकाउंट हमने यहाँ क्लोज कर दिए। अब जो है हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 27,000 से अगर 19,700 माइनस होता है तो आपका आएगा 7,300, 7,300, यह है डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा था। तो डेबिट साइड ज़्यादा भारी है, इस अकाउंट की जो भी साइड ज़्यादा भारी होगी या किसी भी लेजर अकाउंट की जो भी साइड, जिस साइड की भी टोटल ज़्यादा होगी, हम कहेंगे कि उस अकाउंट में वो बैलेंस है। जैसे इस अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल है 27,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 19,700। तो आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड 7,300 रुपये से ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है ये डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस की डिफरेंस है। तो हम इससे कहें, मतलब हम इससे ये इम्प्लाई करेंगे या ये मानेंगे कि ये जो 7,300 की डिफरेंस है ये डेबिट बैलेंस है। अगर आप यहाँ का टोटल लगाते हैं, इस टोटल से इसको कंपेयर करते हैं कंपोनेंट्स को, तो ये तो मैच कर जा रही है। यहाँ 20,000, यहाँ 7,000 और यहाँ 27,000 है, मतलब यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप यहाँ पर देखें, टोटल 27,000 है लेकिन अंदर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं इनकी टोटल सिर्फ 19,700 है, तो यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर लिखने की ज़रूरत है। मतलब ये टोटल माइनस इन कंपोनेंट्स का जो समेशन है
उस फिगर को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 7300, और ये हो गई आपकी बैलेंसिंग। अब दोनों साइड्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हम लिखें क्या? बैलेंसिंग हम कर रहे हैं मान लीजिए 6 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को ही लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी, तो 6/1/16 को हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस। बाय बैलेंस हमने लिख दी 7300, और जब अगले पीरियड में ये अकाउंट फिर से चालू होगा तो हम इसी बैलेंस को यहाँ कैरी करके ले आएंगे इस साइड में, इस बैलेंस को यहाँ कैरी करके ले आएंगे। ये अकाउंट जो है वो इस पीरियड के लिए यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है, मैंने लाइन लगा के क्लोज़ कर दी। अब जब नए पीरियड में अकाउंट चालू होगा तो ये बैलेंस जो है यहाँ कैरी डाउन होगा। तो ये है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन CD, और यहाँ पे अगली डेट डालकर जो नए पीरियड की है 7/1/2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7300। मतलब नए पीरियड में जो ये अकाउंट फिर से चालू हुआ वो 7300 के बैलेंस से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कैश अकाउंट है, ये जो कैश अकाउंट है इसकी बैलेंस 7300 थी। पिछले पीरियड के एंड में बैलेंस 7300 थी, मतलब हमारे हाथ में 7300 का कैश था, और जो पिछले पीरियड की एंड की बैलेंस होती है करंट पीरियड की स्टार्टिंग की बैलेंस भी वही होती है। तो हमने बैलेंस कैलकुलेट की, डेबिट साइड का टोटल पहले किया, फिर क्रेडिट साइड का टोटल किया, फिर दोनों टोटल्स को कंपेयर करके जो ज़्यादा टोटल था उसको दोनों साइड में हमने लिख डाला। लिखने के बाद जो डिफरेंस था क्रेडिट साइड में, उस डिफरेंस के फिगर को हमने यहाँ पर लिख के ये वर्ड बाय बैलेंस लिख डाला। अब इस बैलेंस को हम यहाँ कैरी डाउन करेंगे। इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, क्योंकि इस अकाउंट में डेबिट के ट्रांजैक्शंस की वैल्यू ज़्यादा थी। इस पीरियड में इस अकाउंट में डेबिट के ट्रांजैक्शंस की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए इस अकाउंट का जो 7300 बैलेंस आया है वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। चलिए इसी तरह हम एक दूसरी अकाउंट की भी बैलेंसिंग देख लेते हैं। चलिए कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग देखते हैं। यह है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अगर हम दोनों साइड्स की टोटल करने जाएं, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, अगर हम दोनों साइड्स की टोटल करने जाएं तो क्रेडिट साइड की टोटल है 20,000 और डेबिट साइड की टोटल है 0। तो दोनों टोटल्स में ज़्यादा कौन है? 20,000। तो चलिए 20,000 दोनों साइड लिख देते हैं। ये मैंने 20,000 यहाँ लिख दी, ये 20,000 यहाँ लिख दी। अब डेबिट साइड में चूंकि 0 है, यहाँ पे टोटल हमने 20,000 लिखी और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हमें इस गैप को फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ 20,000 लिखना पड़ेगा। तो लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुई है, लास्ट एंट्री जो अकाउंट में हुई है, उसके थोड़ा नीचे हम लिखेंगे। 6 तारीख को हम बैलेंसिंग कर रहे थे, 6/1/2016 को इस अकाउंट में बैलेंस, हम बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। कैश अकाउंट में हमने इस साइड में की थी, इसीलिए बाई से स्टार्ट की थी, लेकिन इस अकाउंट में जो है इस साइड में कर रहे हैं, मतलब डेबिट साइड में कर रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 बैलेंस कैरेड डाउन, और ये फिगर हो जाएगा 20,000। बैलेंस के नीचे जनरली हम कोई नरेशन नहीं लिखते हैं, ये इम्प्लाइड ही है कि हम इस अकाउंट का बैलेंस, इस अकाउंट की बैलेंसिंग कर रहे हैं और जो डिफरेंस बैलेंस है वो निकाल रहे हैं। अब यही बैलेंस जो है वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नए पीरियड में ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, इस पीरियड के लिए अकाउंट क्लोज, और नए पीरियड में ये बैलेंस जो है हम ड्रैग डाउन करके नीचे ले आएंगे। अज्यूम कर रहे हैं हम कि 7 तारीख को नया पीरियड चालू हो रहा है, तो यहाँ बैलेंस जो है वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये 20,000। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि किसी भी पीरियड में जो डेबिट और क्रेडिट्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी डिफरेंस को ही बैलेंस कहा जाता है, और जिस भी अकाउंट की, जिस साइड की ट्रांजैक्शंस की वैल्यू ज़्यादा होती है उस अकाउंट की वही बैलेंस आती है। जैसे यहाँ पे इस पीरियड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था, कैश अकाउंट का, कैश का मतलब ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया था एज कैपिटल 20,000 रुपये की, तो यही एक ट्रांजैक्शन हुई थी बस, डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं थी। तो जब हमने टोटल की तो दोनों साइड हमने 20,000 लिख लिया और डेबिट साइड की
में ये बैलेंसिंग फिगर लिख लिया। तो इस अकाउंट में क्योंकि सिर्फ क्रेडिट में ट्रांजैक्शन थी, डेबिट साइड में कुछ नहीं थी, तो इसका बैलेंस भी जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो ये हमने इसकी बैलेंस निकाल ली जो कि क्रेडिट बैलेंस। अब इसी तरह हमने सब अकाउंट्स की बैलेंसेस निकाल के रखी है। ये है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में दो ट्रांजैक्शंस थी, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं थी। तो हमने दोनों साइड्स को पहले टोटल किया, दोनों का टोटल आया 8,816,000। तो हमने दोनों साइड में 16,000 टोटल्स लिख दिए। फिर क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ नहीं थी, हमने वो बैलेंसिंग फिगर जो 16,000 की है उसको क्रेडिट साइड में लिखी और डेट डाल के बाय बैलेंस सी डी लिख दी। फिर इसी बैलेंस को अकाउंट को क्लोज करने के बाद इसी बैलेंस को नीचे ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद 16,000 का बैलेंस जो है नीचे ब्रॉड डाउन कर लिया। तो अब इससे ये इम्प्लाई हो गया कि परचेज अकाउंट जो है उसकी डेबिट बैलेंस हो गई है 16,000 की। इसी तरह बी एन कंपनी अकाउंट भी देख लेते हैं। बी एन कंपनी जो अकाउंट है उसमें भी सिर्फ क्रेडिट साइड में एक एंट्री थी 8,000 की, इसलिए इसकी भी क्रेडिट बैलेंस आएगी 8,000 की, डेबिट साइड में कुछ नहीं था। सेम प्रोसेस से हमने बैलेंसिंग की है, आप एक बार देख लीजिए। दोनों साइड टोटल लगाए हैं, एक ही ट्रांजेक्शन था, दोनों साइड का टोटल 8,000 आना था और इस साइड हमने बैलेंसिंग फिगर लिख ली, डेबिट साइड में कुछ था नहीं और इसी बैलेंस को फिर नीचे कैरी किया। उसी तरह हमने सेल्स अकाउंट की भी की है। सेल्स अकाउंट हमारा इनकम होता है, जब भी बिजनेस में सेल्स होती है वो हमारा इनकम होता है, तो इसलिए इनकम की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, तो इसकी बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस आनी है। तो दो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमने पोस्ट कर रखी थी जर्नल्स के थ्रू, तो 7 और 9 टोटल 16,000 की ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रखी थी। डेबिट साइड में कुछ नहीं थी, तो डेबिट साइड में हमने बैलेंसिंग फिगर 16,000 का बिठा दिया और इसी को फिर नीचे ड्रैग करके ले आए 7 तारीख को, और ये बैलेंस जो है 16,000 का बैलेंस हो गया। तो ये जो बैलेंस इस अकाउंट की आई है ये क्रेडिट बैलेंस है। सिमिलरली फर्नीचर अकाउंट की भी हमने डेबिट बैलेंस 4,500 की निकाल रखी थी। और आर अकाउंट जो कि हमारा कस्टमर है, आर अकाउंट की भी हमने बैलेंस निकाल रखी थी। कस्टमर्स होते हैं एसेट्स और एसेट्स की डेबिट बैलेंस होती है। तो इस अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस आई थी, डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन थी 9,000 रुपयों की, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था, तो बैलेंसिंग करने के बाद जो है डेबिट बैलेंस 9,000 रुपये आई थी। आगे देखते हैं। ये हमने बैंक अकाउंट खोली थी, बैंक अकाउंट की भी हमने बैलेंस निकाली थी। बैंक भी हमारा एसेट है और एसेट की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। तो बैंक में हमने 6,000 रुपये जमा करवाए थे और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, तो बैंक का बैलेंस भी 6,000 डेबिट ही आया था। और फाइनली हमने एक रेंट पे किया था। वैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज़ की थी और उसकी फिर लेजर पोस्टिंग की थी। दो अलग अलग वीडियोज़ हैं, एक वीडियोज़ में जर्नल एंट्रीज़ की थी और एक वीडियो में लेजर पोस्टिंग की थी। तो उसके लिंक्स जो हैं आपको यहाँ कार्ड्स में मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखें। तो यहाँ रेंट अकाउंट में देखिए, हमने रेंट पेमेंट किया था। रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस की भी जो है हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। तो रेंट की जो 1,200 रुपये हमने रेंट पे की थी पिछले पीरियड में, उसकी बैलेंस भी 1,200 ही आई है और वो डेबिट साइड में है। तो अब इन जो ये जो सारे अकाउंट के बैलेंसेज हमने निकाले, इन बैलेंसेज को लेके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इन अकाउंट के बैलेंसेस को लेके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है। ये है आपका ट्रायल बैलेंस और इसमें हम सारे बैलेंसेस एक एक करके लिस्ट करेंगे। ये कॉलम जो हो गई आपकी लेजर फोलियो की। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस जो होता है वो उस दिन को बनाया जाता है जिस दिन सारे बैलेंसेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो हमारे एग्जांपल में हमने 6 जनवरी 2016 को सारे बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो हम ट्रायल बैलेंस एज ऑन 6 जनवरी 2016 को लेंगे और यहाँ पर हम एक एक करके सारे अकाउंट्स लिस्ट करेंगे और जिसकी डेबिट बैलेंस आई है वो अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे और जिस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस आई है वो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, एक क्लास 2-3 का बच्चा भी ट्रायल बैलेंस कर सकता है। मतलब बोलने का मतलब है कि अकाउंट्स में अगर कुछ सबसे सिंपल है तो वो ट्रायल बैलेंस ही है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कैश अकाउंट में जाते हैं। कैश अकाउंट में हमारी बैलेंस आई थी 7,300 रुपये, ये थी 7,300 रुपये और ये डेबिट बैलेंस थी। तो हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे
कैश अकाउंट, और यहाँ डेबिट साइड में जो है 7,300 का अमाउंट लिख देंगे। और देखने की बात है कि लेजर फोलियो जो है, लेजर फोलियो इसमें लेजर का पेज नंबर लिखा रहता है। मैंने आपको बताया था कि लेजर की जो किताब है उसमें अलग अलग पन्ने होते हैं जिसमें एक एक अकाउंट बना हुआ होता है। जैसे ये जो कैश अकाउंट है वो भी लेजर की बुक में एक पेज ही है। लेजर की बुक में एक पेज है जहाँ पर हमने ये कैश अकाउंट बना रखा है। तो समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल समझिए कि इस पेज नंबर, इसका फोलियो नंबर या पेज नंबर था 10। मान लीजिए कि लेजर की जो बुक्स है उसमें पेज नंबर 10 पे यह कैश अकाउंट बना हुआ है। तो जब हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ पर हम लेजर फोलियो मतलब एज अ रेफरेंस ये पेज नंबर लिख सकते हैं, पेज नंबर 10, ताकि हमें ये बैलेंस ढूंढने में या बाद में क्रॉस चेक करने में आसानी हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस एक अकाउंट के एग्जांपल लेके मैंने इसकी रेलेवेंस बता दी। अब बाकी अकाउंट्स के लिए मैं इस कॉलम को इग्नोर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैश अकाउंट की बैलेंस 7,300 डेबिट डाल दी। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारी क्रेडिट बैलेंस थी 20,000 की, तो आइए इसे लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस थी, क्रेडिट कॉलम में लिखना है 20,000। उसके बाद थी हमारी परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस आई थी 16,000 की। परचेज अकाउंट, परचेज एक एक्सपेंस है, बिजनेस की एक्सपेंडिचर है परचेज, और एक्सपेंस की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। तो परचेज अकाउंट की जो बैलेंस आई थी 16,000, वो भी डेबिट बैलेंस आई थी। आइए ट्रायल बैलेंस में इसको लिखते हैं। परचेज अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस होगी 16,000 की, ये भी हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। अब अगली जो है बी एंड कंपनी अकाउंट थी। बी एंड कंपनी हमारा सप्लायर था, क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर जो है एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो इस केस में भी हमें क्रेडिट बैलेंस ही मिला था 8,000 का। तो इसे हम बी एंड कंपनी अकाउंट को भी ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे और जो इसका बैलेंस आया था वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं बी एंड कंपनी अकाउंट, और इसका बैलेंस जो है वो हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपये। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अकाउंट थी सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो आइए देखते हैं इसकी बैलेंस कितनी आई थी। बैलेंस 16,000 क्रेडिट साइड में आई थी, तो ट्रायल बैलेंस में चलिए लिख देते हैं सेल्स अकाउंट। बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड में 16,000। इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की जो है, फर्नीचर जो है वो एसेट होता है और एसेट की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। तो इसकी भी डेबिट बैलेंस आई थी 4,500 रुपये, तो इसे भी हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। फर्नीचर, इसकी 4,500 रुपये की डेबिट बैलेंस। अब नेक्स्ट है आर अकाउंट। आर हमारा कस्टमर था, कस्टमर जो कि एसेट होता है क्योंकि उससे हमें पैसे मिलने होते हैं। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आनी है, फ्यूचर में उससे पैसे मिलने हैं, तो एसेट भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। तो उसकी बैलेंस जो थी 9,000 डेबिट की थी, 9,000 डेबिट बैलेंस थी, वो हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं आर अकाउंट, और यहाँ 9,000। आर हमारा डेटर है। अब बारी आई बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट, बैंक भी हमारा एसेट है और एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, तो उसकी 6,000 रुपये बैलेंस आई थी। आइए उसको भी लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है, बस सिर्फ बैलेंसेस को देखना है और लाइन बाय लाइन यहाँ लिखते जाना है और कुछ नहीं है। तो बैंक की 6,000 रुपये डेबिट बैलेंस होनी है। उसके बाद रेंट, हमने रेंट पे की थी 1,200 रुपये की, और एक ही ट्रांजैक्शन थी, तो ये रेंट में 1,200 रुपये का ही डेबिट बैलेंस आया था। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस की डेबिट बैलेंस होती है, तो ये 1,200 रुपये भी हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे रेंट के नाम से, और डेबिट साइड में, डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे रेंट अकाउंट।
यहाँ मैं अकाउंट लिखना भूल गया था, रेंट अकाउंट 1200। अब एक मैजिक होगा, अगर आप इस साइड के टोटल को करेंगे और इस साइड के टोटल को करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों अमाउंट सेम होगी। आइए चलिए पहले इस साइड के टोटल को करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपना कैलकुलेटर निकालें और दोनों साइड्स की टोटल लगा लें। तो चलिए टोटल करते हैं, मैंने पहले से ही कैलकुलेटर में कर रखी है। तो 20 और 16 36, 36 और 8000 44000, और इस साइड की टोटल भी 44000 ही आएगी। अगर आप करके देखें कैलकुलेटर में, ऐड कर लें, मैं पहले से लिख दे रहा हूँ 44000। अब चूंकि दोनों साइड्स की टोटल सेम है, इससे हमें पता चलता है एक बात का कि हमने जो जर्नल और लेजर बनाया है वो प्राइमा फेसी एक्यूरेट बने हैं। तो इससे हमें एक्यूरेसी चेक करने का एक मीडियम है ट्रायल बैलेंस, कि सारी जो ट्रांजैक्शंस थी उसकी डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूएशंस ठीक ठाक हुई कि नहीं, डेबिट पोस्टिंग्स डेबिट साइड में हुई कि नहीं और क्रेडिट पोस्टिंग्स क्रेडिट साइड में हुई कि नहीं। हालांकि हर एरर को तो ट्रायल बैलेंस डिस्कवर नहीं कर पाता है, पर हमें एक प्राइमा फेसी इंडिकेशन देता है कि जो अकाउंट्स में जो अभी तक का काम हमने किया था ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, यानी कि जर्नल एंट्रीज और उनकी लेजर पोस्टिंग और उसके बाद उनका बैलेंस एक्सट्रैक्शन, वो सही ही किया है, क्योंकि दोनों साइड्स की टोटल जो है वो मैच कर रही हैं। अगर इन दोनों साइड्स की टोटल में कोई गड़बड़ आ जाता या वो मैच नहीं करती, तो इसका मतलब होता है या तो हमने जर्नल में कोई गलती कर दी है या हमने लेजर पोस्टिंग के समय हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। तो फिर से हमें सारी एंट्रीज की जो चेकिंग है वो करनी पड़ती कि कहाँ पे गलती हो गई। फिलहाल यहाँ तो दोनों मैच कर जा रही हैं, मतलब सारी एंट्रीज ठीक हैं और हमने सब कुछ सही किया है। अब एक और बात वो है, ये है कि यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस से एक और हेल्प मिलती है, वो है फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट। तो इन दोनों को प्रिपेयर करने में ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। वो कैसे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हमें सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में वो पहले से ही मौजूद होते हैं। हमें हर लेजर अकाउंट को बार बार खोल खोल के उसकी बैलेंस देखनी नहीं पड़ती। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से सारी बैलेंसेस हमें एक जगह पे मिल जाती हैं, जिससे अकाउंटेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो जाती है। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, और उन बैलेंसेस को फाइनली ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कैसे किया जाता है और ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक मैंडेटरी स्टेटमेंट तो नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे बिना बनाए भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन इसको बनाना अच्छा होता है क्योंकि इससे हमें एक तो एक्यूरेसी का पता चलता है, प्लस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त बड़ी सहूलियत हो जाती है, सारे बैलेंसेस एक ही जगह मिल जाते हैं। और ये आपको एक आइडिया पता चल जाता है, एक चीज़ पता चल जाती है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाने जा रहे हैं वो सही लेजर बैलेंसेस के साथ बनाने जा रहे हैं, तो एक इस चीज़ की भी संतुष्टि होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपना सुझाव नीचे कमेंट करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।